ऑल स्टूडेंट्स, आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलो या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन बोलो, प्रतिलोम प्रतिफलन, इसको लेकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में 2018 में जो बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आए थे उनको सॉल्व कर लेते हैं कि किस टाइप के बोर्ड में सवाल आए थे, उनका लेवल क्या था, ताकि आपको फ्यूचर के लिए भी थोड़ा आइडिया लग जाए आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखो, और वैसे भी पुराने पेपर अच्छी तरह से कवर करके जाने चाहिए, बुक के तो पढ़ने ही पढ़ने सवाल, ये भी अच्छी तरह से कवर करके जाने चाहिए। तो देखो, अपने जैसे ये पार्ट देखो, सबसे पहले तो ये पार्ट जो है वो कुल मिला के चार अंक का है, चार नंबर के सवाल इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। एक तो एक नंबर का सवाल आएगा और एक तीन नंबर का सवाल आएगा। देखो, एक नंबर सवाल का आपके जो प्रश्न क्रमांक सेकंड होगा वो होता है, और जो तीन नंबर का सवाल आता है वो प्रश्न संख्या 16 आता है। उसमें देखो सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अथवा में पूछा जाएगा, दो सवाल आएगा उसमें से कोई भी एक करना है, और प्रश्नावली भी सिर्फ एक ही है 2.1। तो इस पार्ट में से नंबर बिल्कुल भी कटने नहीं चाहिए, चार में से चार पूरे आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम एक नंबर का जो सवाल आया था बोर्ड परीक्षा 2018 में, देखो वो पूछा गया था कि साइन इन्वर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इन्वर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको देखो हल कर लेते हैं। देखो आप देख लो यहाँ पे, देखो 1/2 किस पे वैल्यू मिलती है भाई। देखो हमें जैसे कि आप इसको एक तो करने का ये तरीका होता है कि देखो 1/2 जो होती है, हमें पता है कि साइन का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में या इनके समान होता है। तो जो ये 1/2 वैल्यू आती है, अगर इनके बीच में देखे तो कहाँ मिलती है, अपने 30 डिग्री, जो जिसको पाई रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो देखो ये वैल्यू किसकी है, 1/2 की है। तो यहाँ साइन से साइन इन्वर्स ये मतलब एक प्रकार से हट जाता है, तो वैल्यू किसके मतलब साइन इन्वर्स 1/2 का मान किसके बराबर आ जाता है, π/6। तो आपको तो डायरेक्ट देखना है कि 1/2 किस पे मिलता है, तो वो इन्वर्स में चला जाएगा। तो 1/2 मतलब साइन इन्वर्स ये गणित का नंबर है, और ये पूरा मान हमें एक एंगल देगा, कोण देगा। तो इसका मान कितना रहा, π/6। ये अब 2 मैंने जैसा था वैसा का वैसा लिख लिया। अब देखो ये बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। अब देखो कॉस में 1/2 कहाँ मिलता है, हमें पता है π/3 पे मिलता है, मतलब 60 डिग्री पे। तो π/3 यानी इस पूरे का मान कितना, π/3। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो गया π/6 प्लस 2π/3, और रोका लसप ले लो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 में 6 का भाग चला गया, तो पाई प्लस इसमें 2 बार गया तो 4π, क्योंकि 6 में 3 का 2 बार गया, 2 × 2π 4π हो गया। पाई प्लस 4π कितना हो गया, 5π/6। ये अपने क्या आ जाएगा आंसर, यानी इस पूरे का मान किसके बराबर आ गया, 5π/6। अब हम नेक्स्ट देखो 16वां सवाल करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक नंबर का, इस टाइप के पूछे जाते हैं प्रश्न। देखो प्रश्न 16वां जो है, देखो प्रश्न है कि समीकरण कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x का मान, प्रश्न पढ़ लेता हूँ। समीकरण कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x बराबर 2π/3 को हल करो। इसको देखो हल करना है, हल करना है मतलब अंदर जो वेरिएबल है, मतलब एक प्रकार से चर राशि देखो x है, तो मतलब x का मान निकालना, हल करना मतलब जो x किसके बराबर होगा वो पता करना हमको। ये आपके देखो example 9 है बुक में, example 9 देखो बुक में इस टाइप से दे रखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3, ये बुक में इस टाइप से। अब देखो इनको जब cos में चेंज करते हैं तो यही सवाल बनता है, ठीक है। हमें पता है देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। तो जब समान लेते हैं ये नंबर तो हमेशा π/2 के समान आता है, ये दोनों का एंगल मिलके। तो यहाँ से जब इसको हम चेंज करेंगे, देखो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और यहाँ देखो साइन इनवर्स x का क्या बन जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना, यहाँ पे 2x है, इक्वल टू π/3। अब देखो ये π/2 और π/2 दोनों जोड़े तो पाई हो गया, और यहाँ से माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 2x बराबर π/3, इसको उधर भेज लेता तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। देखो आरो का लसब ले लिया 3, यहाँ से कितना आ गया, π-3π, और ये माइनस बाहर ले लूँ तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x। अब देखो π-2 3π कितना हो गया, माइनस का
टू पाई, माइनस से माइनस काट दिया तो क्या देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स का मान किसके बराबर आता है, टू पाई अपॉन थ्री के बराबर। तो बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछ लिया, हालांकि इसको सॉल्व करते तो आखिर में यहाँ तक तो करना ही पड़ता है, इसके बाद में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। लेकिन उदाहरण नौ को क्या कर दिया इसने, बोर्ड में जिसने भी पेपर बनाया वो यहाँ से पूछ लिया, मतलब प्रश्न को थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, ईजी कर दिया। तो ये एग्जाम्पल नाइन है ये वाला, लेकिन ये यहाँ से पूछा गया। तो देखो हम ये सवाल सॉल्व कर देते जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखो हमारे पास में समीकरण है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x बराबर 2 पाई अपॉन 3, और हमें करना क्या है x का मान लाना है, हल करना है इसको, मतलब x का मान लाना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का डायरेक्ट सूत्र यूज कर हो रहा है तो यूज कर लो, क्योंकि चूंकि हमें पता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x माइनस मतलब x और y दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और कोष्टक पैक, ये इसका देखो फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ देखो माइनस आएगा तो यहाँ सिर्फ प्लस करना, बस यहाँ दोनों जगह माइनस ही रहेगा, और यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले बनते हैं सारे, तो जब हम त्रिकोणमिति से जब ये फॉर्मूला स्थापित करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। बनाना हो तो आप भले बना भी सकते हैं, जैसे कि देखो कॉस इनवर्स x को मैं थोड़ा स्पीड में बता लेता हूँ। देखो कॉस इनवर्स x को मैं a मान लेता हूँ और कॉस इनवर्स y को मैं b मान लेता हूँ, तो यहाँ से देखो दोनों और मैं कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस a बराबर क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यहाँ से दोनों को कॉस कॉस से करूँगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस b बराबर कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। अब देखो यदि मेरा पास कॉस थीटा की वैल्यू है तो मैं साइन थीटा के निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से जब मैं साइन थीटा पता करूँ तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। भाई अपने पास में साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यदि मैं यहाँ से वैल्यू लाऊँ यदि मैं किसकी साइन ए की, तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए की वैल्यू एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ यदि मैं साइन बी की वैल्यू लाऊँ तो वो क्या होगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी का मान क्या है वाई, तो वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू तो मैंने लाई। अब देखो हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए या प्लस का बना था, तो कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो सब वैल्यू यहाँ यूज कर दो, कॉस ए क्या है कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी क्या है कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस ए, देखो कॉस ए क्या है एक्स, कॉस बी क्या है वाई, माइनस साइन ए क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे ये कॉस हटाना, तो कॉस इनवर्स से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा इसको भी इसको, ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स आ गया इधर मल्टीप्लाई कर, ये बच गया एक्स वाई मतलब यहाँ रह गया वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला हमारे पास में स्थापित हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन आपको देखो डायरेक्ट याद रखना है कि भाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान इसके बराबर होता है। अब देखो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखो क्या बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स 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 ही है इनटू और वाई कितना है टू एक्स, ठीक है, माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई की जगह क्या आ रहा है टू एक्स का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा टू पाई अपॉन थ्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि ये कॉस इनवर्स हटाना, तो दोनों पक्षों को कॉस से गुणा कर दो तो ये तो हट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कॉस, ये कॉस से कॉस इनवर्स तो हट जाएगा, तो यहाँ एक्स इंटू टू एक्स कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, ये भी क्या करें, अब इसका ऐसा कैसा लिख लेता हूँ। अब देखो कॉस से दोनों को गुणा किया तो ये तो हट गया, तो इधर कॉस आएगा,
कॉस 2 पाई अपॉन 3। अब देखो इधर कॉस 2 पाई अपॉन 3 का मान निकालना पड़ेगा हमें, तो इसको पाई के पदों में तोड़ दो, तो 3 है तो ऊपर 3 करो, तो कॉस 3 करना है, तो देखो 3 पाई में से कितना घटाते तब 2 पाई आता है, ये बट्टा 3। अब दोनों को अलग अलग कर दो तो कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौन से किस में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, उसमें कॉस कॉस में रहेगा लेकिन माइनस में आएगा, माइनस का कॉस पाई अपॉन 3। अब कॉस पाई अपॉन 3 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो माइनस का 1/2, यानी इसका मान कितना मिलेगा, माइनस का 1/2, तो 2x² माइनस रूट 1 माइनस x², ये मैंने ऐसे कैसे लिख लिए, और इधर मुझे ये मान कितना मिल गया, माइनस का 1/2। अब देखो मैं ये 2x² को उधर भेज देता हूँ, हटा दिया यहाँ से, उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस काट लेता हूँ, यहाँ से कॉमन लागे, तो इधर से क्या है, 1 माइनस x² रूट 1 माइनस 4x², थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, इक्वल टू माइनस बार आने के बाद देखो पहले एक्स वाला पद लिख लेता हूँ मैं, और बाद में ये लिख लेता हूँ, दोनों का निशान चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, जो इधर माइनस था वो डायरेक्ट काट लिया मैंने। अब देखो मुझे इधर रूट हटाना है क्योंकि एक्स का मान लाना है, तो रूट हटाना बहुत ज़रूरी है, तो रूट हटाने के लिए देखो दोनों पक्षों का मुझे वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें पर, तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करो तो ये तो वर्ग करेंगे तो ये रूट का निशान तो हट जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस x² और 1 माइनस 4x², ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वर्ग करना है, तो वर्ग से पहले मैं हरों का लसप लेता था और ईजी रहता और ठीक रहता, मैं हरों का लसप पहले ले लेता हूँ बाद में वर्ग कर लेता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ, तो वरना देखो ये ए प्लस बी के होल्ड स्क्वायर का थोड़ा लंबा फॉर्मूला बनेगा, तो ये क्योंकि बट्टा में गया इसलिए, तो हरों का लसप लेने के बाद 2 आता है तो यहाँ क्या हो रहा है 4x² + 1 रहता है, तो ये थोड़ा और 2 को उधर भेज दूंगा, तो ये यहाँ से हट गया, 2 इधर आ गया, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों का इधर थोड़ा लिख लेता हूँ, अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो ये तो जब वर्ग करेगा 2 × 2 इधर करता हूँ, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये एक तो बच जाएगा 1 माइनस x² और एक बच जाएगा 1 माइनस 4x², और इधर देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल्ड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, तो देखो 16x² भाई 4x² का करेंगे जब, तो ए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 घात भी तो 4 होगी, 16x² प्लस इसका 1 ही आएगा प्लस 2ab, यानी 2 × 4 8 हो जाएगा, 8x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ इनका गुणा कर दो आप, देखो 4 1 × 1 1 1 × ये माइनस का 4x² 1 का दोनों से गुणा किया, अब इसका करता हूँ माइनस x² का 1 से किया तो माइनस का x² और माइनस x² का इससे किया तो प्लस का रहा, और ये हो गया 4x^4, और इधर देखो ये का ये 16x^4 प्लस 8x² और प्लस 1, घातों को घटते क्रम में लिख लिया। अब देखो ये दोनों यहाँ पे माइनस 4x² और माइनस x² कितना बन जाएगा, माइनस का 5x² बन जाएगा। अब देखो गुणा कर देता हूँ, 4 × 1 = 4, ये माइनस का 5x² है, तो इससे गुणा करूँगा तो देखो 4 से गुणा होकर 20x² बना लेगा, और ये गुणा हो जाएगा तो 16x^4, और इधर रहा 16x^4 प्लस 8x² और प्लस का 1, 16x^4 से 16x^4 कट गया और नहीं कट रहा कुछ, तो देखो मैं अपन इसको इधर भेज देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, 8x² इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 20x² और माइनस का 8x² कितना आ जाएगा, माइनस का 28x², क्योंकि माइनस में आते जुड़ते लेकिन निशान माइनस ही रहता है, 4 को उधर भेजूंगा तो ये चला जाएगा माइनस का और हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा माइनस का 3, तो हमें x² लाना है, हमें x लाना, तो इसको उधर भेजेगा तो -3/ माइनस से माइनस तो काट लेता हूँ मैं, माइनस से माइनस काट लेता हूँ तो 3/28, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, रूट 3/28, और निशान दोनों आएंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब देखो 28 के अभाज्य गुणनफल कितने होते हैं, 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7, तो 2 का बन गया जोड़ा, तो इसको भी बाहर भेज सकते हैं, यानी और लिख सकते हैं x = ±, ये 2 इधर बाहर आ रहा है, ये 2 बार आ गया, रह गया रूट
तीन बट्टा सात। अब देखो ये दो मान आ रहा है एक्स का, एक तो प्लस का एक बट्टा दो रूट तीन बट्टा सात आ रहा है, एक माइनस का एक बट्टा दो रूट तीन बट्टा सात आ रहा है। आप ध्यान रखना, जब माइनस का मैं लूँगा तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ प्लस वाला ही उत्तर होगा। तो मैं लिख लूँगा कि यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा माइनस का एक बट्टा दो रूट तीन बट्टा सात के। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अर्थात एक्स का वास्तविक उत्तर क्या होगा, सिर्फ प्लस का एक बट्टा दो रूट तीन बट्टा सात, ये अपने आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर यानी अपने उत्तर क्या मिलेगा, एक बट्टा दो रूट तीन बट्टा सात। जब इस जब इन दोनों जुड़ के ये टू पाई अपन थ्री वैल्यू किस कंडीशन में आएगी, जब x कितना होगा एक बट्टा दो रूट तीन बट्टा सात। तो देखो ये बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल था, अभी 2018 में पूछा गया है। अब इसके अथवा में ये आया था, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये सवाल सॉल्व कर लो। देखो सवाल है कि सेक, ये अच्छा सवाल है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स, ये बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, एक बार ही नहीं दो तीन बार आया, मतलब अभी दो तीन तीन चार साल पिछले हम देखे सप्लीमेंट्री परीक्षा वगैरह सब कुछ, तो ये सवाल दो तीन बार आया हुआ है। देखो sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a को हल करो, ये दिया हुआ समीकरण, इसको हल करना मतलब x का मान लाना है। तो जो भी समीकरण दिया हुआ मैं लिख लेता हूँ, देखो हल में समीकरण हमें दिया हुआ है sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। देखो मैं सबसे पहला काम तो क्या कर देता हूँ कि sec को cos इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ, ताकि हम cos इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लगा सकें। तो देखो cos में देखो sec के अनुपात चेंज करते तभी तो cos आता है, तो आप चेंज कर दो। तो देखो जैसे मैं इसको cos इनवर्स में चेंज करूँगा दोनों बदल जाएंगे, अनुपात चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा x नीचे, इधर देखो cos इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी b बट्टा x, इधर देखो ये बराबर cos इनवर्स का मान कितना आ जाएगा एक बट्टा b, नीचे हर कुछ तो एक है तो ऊपर नीचे हो गए दोनों, माइनस sec इनवर्स एक बट्टा a, क्योंकि हमें पता है sec इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स 1 अपॉन x, अनुपात बदल देता है। अब देखो इसको, अब देखो यदि मैं देखो ये ए आ रहा है, यदि इस ए को इधर लेके आऊँ तो देखो ये इसको कॉस में बदलना है, यदि मैं देखो इसको इधर लाऊँ तो ए से ए मेरे पास कट सकता है, जब कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई वाला वो सूत्र जब यूज करूँगा प्लस वाला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला, तो मतलब ए ए पास पास लाता हूँ मैं और उधर बी बी पास पास भेज लेता हूँ ताकि आसानी से कट सके। तो एक ए वाला जब इस पद पर इधर लाता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो कॉस इनवर्स a बट्टा एक्स और ये इधर प्लस में आ जाएगा cos इनवर्स एक बट्टा a, इधर देखो बराबर, और ये इसको इधर भेज देता b भी दोनों पास पास, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इधर से cos इनवर्स 1 अपॉन b, ये तो अपने था इसको उधर भेज रहा हूँ, तो ये उधर प्लस प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, प्लस वाला मैं पहले लिख लेता, कोई भी लिखो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कोई भी लिखो लिखो, फर्क पड़ने वाला है नहीं है। कॉस इनवर्स b बट्टा एक्स, ये इधर आया तो प्लस में आ गया और ये इसके साथ में प्लस में दिया हुआ, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन b, ठीक है। ये देखो इसलिए कि ये दोनों पास पास आ गए और इधर से b भी दोनों पास पास आ गए, दोनों जो भी अपना कांस्टेंट कांस्टेंट राशि थी वो पास में आ गई। अब देखो हमारे देखो उसी सवाल की तरह सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है, चूँकि हमें पता है देखो कॉस इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, माइनस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके बराबर वैल्यू होती है। देखो इधर प्लस आएगा तो इधर अपने माइनस लगाना है, अब इसके हिसाब से इसको खोल दो तो देखो अपने बन जाएगा cos इनवर्स इन दोनों का गुणा a बट्टा x इंटू 1 अपॉन a, ठीक है। अब निशान माइनस का आता है रूट वन माइनस इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, अब रूट वन माइनस क्या आ रहा वाई स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर यानी एक बट्टा ए का
स्क्वायर और कोष्टक पैक। अब इसको भी खोल लेता हूँ मैं, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और वाई यहाँ क्या है वन अपॉन बी, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस इसका स्क्वायर यानी वन अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको भी ओपन कर दिया और इसको भी ओपन कर दिया। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स तो हट जाएगा, और इधर देखो ए से ए भी हट गया और बी से बी भी हट गया, क्योंकि हमने पहले से इसीलिए उधर इसको भेजा था ताकि कट सके। अब देखो इधर क्या बचा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स भी हट गया, तो अपने बचा वन, इधर से वन बचा माइनस, ठीक है, वन माइनस वन माइनस। अब देखो इनका गुणा करना हमें, तो वर्गमूल के अंदर गुणे हो जाएंगे, देखो इस पर भी वर्गमूल है, इस पर भी है वर्गमूल, रूट है रूट दोनों पे, तो वन इंटू वन तो वन हो गया, अब वन का इससे गुणा किया तो माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों से गुणा करता हूँ, एक से किया तो माइनस का ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर रहा, इधर वन था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया था, इस एक का गुणा दोनों से किया, अब ए स्क्वायर ये ई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, पहले तो इससे गुणा किया तो ये आया, माइनस था तो माइनस आया, अब इसका गुणा इससे करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू वन तो ए स्क्वायर हो गया और इन दोनों का गुणा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार से इधर देखो वन बचा, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट गया था, अब देखो माइनस दोनों का गुणा करना है तो रूट के अंदर ही गुणा हो जाएगा, वन इंटू वन वन माइनस का वन का इधर से किया वन माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का वन से करेगा तो माइनस का बी स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर का माइनस वन अपन बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इधर भी वन है इधर भी वन है, वन से वन कट गया, अब देखो इधर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, और कोई कट रहा तो काट लो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। अब देखो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, तो दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो अपने रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाए देखो वन माइनस वन अपन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा एक बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर, ये भी रूट हट गया, और स्क्वायर किया तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया हमने, इधर दोनों पक्षों का स्क्वायर करता माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और रूट हट से ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कट चुका था, एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर भी प्लस का एक बट्टा एक्स स्क्वायर हट गया, वन है इधर भी वन है हट गया। काफ़ी सवाल सरल, मतलब काफ़ी कुछ हल हो चुका, हम लगभग लास्ट स्टेप में आ चुके हैं, कि हमें x का मान लाना है, तो देखो x x सब एक तरफ भेज लो, कांस्टेंट कांस्टेंट सारे एक तरफ भेज दो, तो देखो माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर, और मैं यदि इधर और भेजूँ या फिर x x सब इधर रख लेता हूँ, तो देखो इसको इधर भेज लेता हूँ, कोई भी या तो कांस्टेंट इधर रखो या x वाला कुछ भी रखो, तो x x इधर रखते तो मैं ये x वाला इधर भेजता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, और x वाला ये रहा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर। यहाँ से देखो ये वन अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए उधर भेज लेता हूँ, तो प्लस में चला जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेना माइनस वाला बाद में लिख लेना, माइनस में क्या है यहाँ पे माइनस का वन अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर भी देखो अरो का लसअप ले लेता हूँ, इधर भी अरो का लसअप, एक्स स्क्वायर आ रहा है, अरो का लसअप आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बराबर, देखो इधर दोनों अलग अलग पद है तो इनका लसअप इनका गुणा ही होगा, यानी इनका दोनों का गुणा हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखो ए इसमें भाग दिया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो हट गया, अब सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर इंटू वन यानी बी स्क्वायर, और माइनस का इसी प्रकार से ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या बी स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ऊपर वाला कट गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, बचा वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वज्र गुणा कर दो, तिरछा गुणा तो एक्स स्क्वायर का एक से किया तो एक्स स्क्वायर बराबर इसका इससे किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे देखो एक्स का मान लाना है, तो यहाँ से आप हटा दो ये स्क्वायर, तो इधर रूट आएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए बी, ठीक
ठीक है, जब मैंने इसे स्क्वायर हटाया रूट आ गए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो बाहर आ गया, ये भी बन गया और निशान प्लस माइनस दोनों आ गए। अब देखो इस दोनों में से उत्तर से प्लस वाले, क्योंकि माइनस माइनस जब माइनस ए भी ले गए तो ये इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा, दोनों का मान बराबर नहीं देगा, इसलिए यहाँ एक्स बराबर जो माइनस ए भी है वो सॉरी एक्स बराबर जो माइनस ए भी है दोनों इसके एक्स के बराबर माइनस ए भी नहीं होगा। इसका मतलब अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक्स का अपने वास्तविक उत्तर क्या होगा, प्लस का ए बी, ये आ गया अपने आंसर। देखो आप देख सकते हो कि दोनों ही सवाल लगभग लगभग एक जैसे ही पूछे हैं, ठीक है, इसमें भी वो का वो फार्मूला लग रहा है, इसमें भी वो का वो फार्मूला लग रहा है, दोनों सवाल लगभग एक जैसे। वैसे देखो अथवा में यदि है तो इसको अलग अलग टाइप के पूछने चाहिए थे, कोई बात नहीं, पूछा तो पूछा। आगे जो नेक्स्ट बोर्ड परीक्षा है, सॉरी जो 2018 के बोर्ड परीक्षा का हमने पेपर सॉल्व किया, अगले वीडियो में हम जो और भी बोर्ड परीक्षा हुई थी उनके पेपर भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अंत तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।